क्लास सिक्स सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 14 आज हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन यूजिंग रूलर एंड ए पेयर ऑफ कंपासेस। तो कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए सब चीज जरूरी होता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन लाइन सेगमेंट ए बी इसका लेंथ कितना है, ए बी ऑफ लेंथ 5 है, ए बी ऑफ लेंथ 5 cm, ये हो गया। यानी 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट दिया गया है, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। इसके लिए स्टेप, तो सबसे पहला काम करेंगे स्टेप में, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर के लीजिएगा, स्टेप लेगा 5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लिए, स्टेप्स लिखेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स आपका हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 5 cm। यानी ए बी लाइन सेगमेंट जो ड्रॉ करेंगे वो कितना का 5 cm। विथ ए सेकेंड स्टेप में होगा, विथ या ए बी लिख देंगे, ए और बी लिख देंगे, तो विथ ए एट सेंटर, यानी ए को सेंटर लेंगे, ठीक है। उसके बाद एंड रेडियस मोर देन हाफ, एंड जो रेडियस लेंगे मोर देन हाफ लेंगे, रेडियस मोर देन हाफ, यानी ए सेंटर लेंगे। सबसे पहले ए बी ड्रॉ कर लेंगे 5 सेंटीमीटर का, उसके बाद ए सेंटर लेंगे, ए सेंटर लेने के बाद जो रेडियस लेंगे मोर देन हाफ, आधा से ज्यादा रेडियस, यानी यहां तक का रेडियस हम ले लेंगे, तो यहां मान लीजिए कट जा रहा है, ए से सेंटर लेगा, ए से सेंटर लेगा, यहां काट दिए। उसके बाद ड्रॉ आर्क्स वन ऑन each side of AB, मतलब AB के प्रत्येक साइड में, यानी A से सेंटर लेकर ऊपर भी काटेंगे, हाफ से ज्यादा लेकर यहाँ नीचे भी काट देंगे। उसके बाद तीसरा स्टेप में, थर्ड स्टेप में हो जाएगा with B at center, B को सेंटर लेंगे एंड द सेम रेडियस, एंड द सेम रेडियस, सेम रेडियस, रेडियस एज बिफोर, एज बिफोर draw arcs
मतलब एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कटिंग करे किसको, पीवीसी जो आर्क ड्रॉ किया गया है उसको कटिंग में, तो फिर बी से सेंटर लेंगे और उतना ही रेडियस लेंगे जितना हम ए से सेंटर लेने को लिए थे, और उसके बाद बी से सेंटर लेने के बाद फिर इसको काटेंगे, इसको भी काटेंगे आर्क ड्रॉ कर गया, तब लास्ट में इसको ले जाकर मिला देंगे। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर लाइन, ए बी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ हो जाता है। Drawn arcs at P and Q respectively. At P and Q respectively. P और Q यहाँ डाल देंगे दोनों आर्क पर, P और Q यानी ज्वाइन कर देंगे, उसके बाद PQ को मीटिंग AB at AB पर ये कहाँ मिल रहा है PQ? M पर, AB पर ये कहाँ मिल रहा है M पर, इस तरह से आपका परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्टर ऑफ ए बी ड्रॉन हो गया। इस तरह से हम लोग मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसके अनुसार। अब देखिए जैसे आपका एक्सरसाइज में अब क्वेश्चन नंबर वन देखिए, एक्सरसाइज 11 14 ए का क्वेश्चन नंबर वन, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट पी क्यू 6.2 सेंटीमीटर, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू, सेम क्वेश्चन है यानी सबसे पहला काम करेंगे एक्सरसाइज हो गया 14 ए क्वेश्चन नंबर वन, पी क्यू जो लाइन सेगमेंट दिया हुआ है उसका लेंथ दिया हुआ है 6.2 सेंटीमीटर, स्केल लेंगे और 6.2 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसको लिख देंगे पी और क्यू, लाइन का नाम हो गया पी एंड क्यू, सेम उसी के जैसा स्टेप लिखेंगे, ड्रॉ पी क्यू, ड्रॉ लाइन सेगमेंट सेगमेंट पी क्यू 6.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सेम उसी के जैसा पी से सेंटर ले लेंगे, अब पी से सेंटर लेने के बाद हाफ से ज्यादा लेंगे रेडियस, क्या लेंगे हाफ से ज्यादा रेडियस लेने के बाद इसको काट लेंगे दोनों तरफ आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर क्यू से रेडियस लेंगे हाफ से ज्यादा तब इसको काट देंगे और तब ले आकर इसको मिला देंगे, यानी ये जो हो गया ए और बी परपेंडिकुलर लाइन हो गया जो सी पर ए पी क्यू पर सी पॉइंट पर काट रहा है। बस इस तरह से हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं। उसके बाद एंगल बनाने के लिए देखिए, एंगल में टू पेयर आता है, यूजिंग ए पेयर ऑफ कंपासेस कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स, जैसे 60 डिग्री का बनाना है सबसे पहले ये ड्रॉ कर देंगे, उसके बाद 60 डिग्री का, तो यहाँ से जब इसको ड्रॉ करेंगे इसको 3 पार्ट में काट देंगे, हो गया 60 डिग्री का एंगल बन गया, यानी ये 60 डिग्री का एंगल इस तरह से एंगल जो बनाएंगे हम कंस्ट्रक्ट करके उसके बाद उसको बना देंगे। उसके बाद ड्रॉ रेक्टेंगल टू एडजेसेंट साइड, रेक्टेंगल ड्रॉ करना दो एडजेसेंट साइड से, इस तरह से फिगर आप बना लीजिएगा। वन राइट एंगल इक्वल टू होता है 90 डिग्री, वन राइट एंगल में कितना होता है 90 डिग्री, जैसे आपको 3/2 राइट एंगल्स निकालना है तो 3/2 राइट एंगल्स इक्वल टू हो जाएगा 3/2 × 90, 2 × 90 45 बना कर जाएगा 135 डिग्री हो गया। आप डू चैप्टर 14 कंप्लीट कर लीजिएगा,